गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 4 के हिंदी साहित्य की पुस्तक नवीन पल्ला के तीसरे अध्याय एक पैसा नामक कविता पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने एक पैसा के माध्यम से बाल मन की उड़ान का वर्णन किया है और समाज में फैली हुई बुराइयों को अत्यंत सुंदर ढंग से रेखांकित करके अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित किया है। तो आइए शुरू करते हैं कविता एक पैसा। सड़क पर मिले जो मुझे एक पैसा, मैं झट से उसे अपनी मुट्ठी में ले लूं, मैं झट से उसे अपने भाई को दे दूं, मैं सबको चलूं लेके मेला दिखाऊं। तो इसमें कवि एक बच्चे के माध्यम से बताता है कि सड़क पर मिले जो मुझे एक पैसा, कि बच्चा कहता है कि अगर सड़क पर मुझे एक पैसा मिले तो मैं झट से उसे अपनी मुट्ठी में ले लूं, तो मैं उसे एकदम से अपनी मुट्ठी में ले लूं, यानी कि अपने हाथों के अंदर छिपा लूं। मैं झट से उसे अपने भाई को दे दूं, मैं सबको चलूं लेके मेला दिखाऊं, और मैं उस एक पैसे को अपने भाई को दे दूं ताकि किसी को ये पता ना चले कि वो पैसा मेरे पास है। मैं सबको चलूं लेके मेला दिखाऊं और मैं सबको उस एक पैसे से मेला दिखा कर लाऊं। मैं राजा बनूं और हाथी पे घूमूं, मैं बागों में जाऊं और फूलों को चूमूं। और मैं राजा बनूं, यानी कि वो जब एक पैसा मेरे पास आ जाएगा तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा और तब मैं राजा बनूंगा और हाथी पर घूमूंगा, क्योंकि एक राजा हाथी पर घूमता है। मैं बागों में जाऊं और फूलों को चूमूं, मैं बागों में जाऊंगा और फूलों को चूमूंगा, यानी कि बाग की जो सुंदरता है उसका आनंद लूँगा। मैं सेना से कह दूँ कि कर दे चढ़ाई, मैं दुश्मन से कह दूँ कि ले मौत आई। और मैं सेना से कह दूंगा कि दुश्मन सेना पर चढ़ाई कर दे ताकि जो दुश्मन है वो हमारे ऊपर जीत ना हासिल कर सके। और मैं दुश्मन से कह दूंगा कि ले मौत आई, यानी कि अब तुम्हारे यहाँ से बच निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। मैं जब चाहूँ घोड़ों का राशन बढ़ा दूँ, मैं जब चाहूँ चोरों को फांसी चढ़ा दूँ, मैं वो पैसा पूरा का पूरा लुटा दूं, मैं पैसा लुटाकर गरीबी मिटा दूं, और मैं जब चाहूं घोड़ों का राशन बढ़ा दूं, और जब मैं चाहूं तब घोड़ों का राशन बढ़ा दूं, यानी कि जो मेरी सेना में घोड़े हैं वो भर पेट खाएं ताकि उन्हें युद्ध पर जाते समय किसी भी तरह की कमज़ोरी ना हो। मैं जब चाहूँ चोरों को फांसी चढ़ा दूँ, और जब मैं चाहूँ तब चोरों को फांसी चढ़ा दूँ ताकि जो समाज में बुराइयाँ फैली हुई हैं वो दूर हो सकें। मैं वो पैसा पूरा का पूरा लुटा दूँ, मैं पैसा लुटाकर गरीबी मिटा दूँ, और उस एक पैसे से मैं क्या करूँगा, मैं उस एक पैसे को पूरा लुटा दूँगा और जो समाज में गरीबी फैली हुई है उस गरीबी को मिटा दूँगा। सड़क पर मिले जो मुझे एक पैसा, मैं उस एक पैसे से तोता खरीदूं, और अगर सड़क पर मुझे एक पैसा मिलेगा तो उस एक पैसे से मैं तोता खरीदूंगा, और मैं उस एक तोते को जादू सिखाऊं, वो जादू दिखाए, मैं डमरू बजाऊं, और मैं उस तोते को जादू सिखाऊंगा और वो जादू दिखाएगा और मैं डमरू बजाऊंगा ताकि उस एक पैसे से मैं और अधिक पैसे कमा सकूँ। मैं उस एक पैसे से नटकों मिला बुलाऊं, वो रस्सी पे नाचे, मैं ताली बजाऊं, और उस एक पैसे से मैं नटकों बुलाऊंगा, यानी कि उसे पैसे दूंगा और उसे बुलाऊंगा, और वो रस्सी पे नाचे, मैं ताली बजाऊं, वो रस्सी पर नाचेगा और मैं ताली बजाऊंगा, उसे देखकर, उसके खेल को देखकर खुश होऊंगा। मैं कह दूं कि हर बच्चा हर दिन नहाए, मैं कह दूं कि हर बच्चा भर पेट खाए, मैं कह दूं कि हर बच्चा बस्ता उठाए, सड़क पर मिले जो मुझे एक पैसा। तो बच्चा कहता है कि मैं कह दूं कि हर बच्चा हर दिन नहाए, कि हर एक बच्चे को हर दिन नहाना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रह सके, और मैं कह दूं कि हर बच्चा भर पेट खाए, और हर एक बच्चे को भर पेट खाने के लिए मिले ताकि वो अस्वस्थ ना रहे, वो स्वस्थ रहे। मैं कह दूं कि हर बच्चा बस्ता उठाए, और मैं हर बच्चे से कहूंगा कि वो बस्ता उठाए, यानी कि वो पढ़ लिख कर तरक्की करे, उन्नति करे। सड़क पर मिले जो मुझे एक पैसा, यदि सड़क पर मुझे एक पैसा मिलता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने एक पैसा जो कि एक बच्चे को मिला है और उसके माध्यम से उसने बताना चाहा है कि इस समाज में जितनी भी बुराइयां फैली हुई हैं वो सभी बुराइयां दूर हों, और
इस समाज में सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों और सभी का कल्याण हो, ऐसी कामना इस कविता में कवि ने की है। तो आशा करती हूँ कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले, कवि एक पैसा मिलने पर किसको देने की बात करता है? कवि एक पैसा मिलने पर अपने भाई को देने की बात करता है। सेकंड, कवि पैसा लुटाकर क्या करना चाहता है? कवि पैसा लुटाकर गरीबी मिटाना चाहता है। थर्ड, कवि तोता खरीदकर क्या करना चाहता है? कवि तोता खरीदकर उसे जादू सिखाना चाहता है। कवि नट को क्यों बुलाता है? कवि खेल दिखाने के लिए नट को बुलाता है। कवि एक पैसे से बच्चों के लिए क्या करना चाहता है? कवि एक पैसे से बच्चों को भरपेट खाना खिलाना व उन्हें स्कूल भेजना चाहता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, मिलान कीजिए। तो मैं सबको चलूं लेके मेला दिखाऊं, वो रस्सी पे नाचे मैं ताली बजाऊं, वो जादू दिखाए मैं डमरू बजाऊं, मैं पैसा लुटाकर गरीबी मिटा दूं, मैं सेना से कह दूं कि कर दे चढ़ाई। तो इसके नंबर्स हैं 2, 4, 5, 3, 1। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दिए गए शब्दों के लिंग लिखिए। तो गरीबी, गरीबी स्त्रीलिंग है, मौत, मौत भी स्त्रीलिंग है, दुश्मन पुल्लिंग, नट पुल्लिंग, मेला पुल्लिंग, बस्ता पुल्लिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज, समझिए और लिखिए। तो इसमें उदाहरण दिया है सिखाना से बना है सिखाएंगे, उसी तरह बजाना बजाएंगे, दिखाना दिखाएंगे, बुलाना बुलाएंगे, सुनाना सुनाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। राज करने वाला राजा, जो जादू दिखाता हो जादूगर, जो नृत्य करता हो नृतक, रस्सी पर खेल दिखाने वाला नट, रक्षा करने वाला रक्षक। अब मौखिक प्रश्न। सबसे पहले, 100 पैसे में कितने रुपए होते हैं? 1 रुपया। सेकंड, पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? पुष्कर में। बंदर नचाने वाले को क्या कहते हैं? मदारी। सड़क पर किस ओर चलना चाहिए? बाईं ओर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, रचनात्मक गतिविधियाँ में यदि आप तितली बन जाएं तो क्या करेंगे? अपनी कल्पना से संक्षेप में रोचक वर्णन कीजिए। तो इस कार्य को आप स्वयं करेंगे, आप कल्पना करेंगे कि यदि आप तितली बन जाएं तो आप क्या क्या करेंगे, तो ये काम आपको स्वयं करना है। नेक्स्ट, खेल खेल में है विभिन्न देशों की अलग अलग मुद्राएं होती हैं, दी गई मुद्राओं को उनके देश से मिलाइए जहां वे चलती हैं। तो इसमें है टका बांग्लादेश, यूरो इटली, दीनार कुवैत, डॉलर अमेरिका, येन जापान, युवान चीन। तो ये इसकी मैचिंग है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे, और इस पाठ के प्रश्नोत्तर और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप याद करेंगे और उसके बाद आप उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। थैंक यू।